हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हो, इस टॉपिक में हम इसी टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे कि न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन क्या होती है। ये जस्ट अपोजिट है आपके डार्विन ने जो आपके नेचुरल सेलेक्शन थ्योरी दी थी, उसके जस्ट अपोजिट होती है आपकी न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन। इसमें हम इसके बेसिक पॉइंट देखेंगे, किस तरह से कौन से साइंटिस्ट ने इसकी सर्च की, बाद में कौन से ऐसे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इसे और ज़्यादा एलेबरेट किया, कुछ की पॉइंट देखेंगे। साथ में हम देखेंगे इसके टाइप्स, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से कुछ फाइनल कंक्लूजन होते हैं इसको लेके। तो सबसे पहले आपको नेचुरल सेलेक्शन पता होना चाहिए। देखिए, नेचुरल सेलेक्शन डार्विन ने जैसा कि बताया था कि स्ट्रॉन्ग स्पीसीज जो होती है उसके द्वारा जो एक्वायर्ड करेक्टर होते हैं, जो फिटनेस को वहाँ पे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, चाहे वो सर्वाइवल फिटनेस है या फिर वो कैसी है रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। तो ऐसे करेक्टर कुछ नेचर के द्वारा सेलेक्ट कर लिए जाते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो नेचुरल सेलेक्शन है, नेचुरल इंस्टिंक्ट के द्वारा जीव उन्हें अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक्वायर्ड करता है। ठीक है, तो इसकी जस्ट अपोजिट एक थ्योरी दी थी मोटो किमुरा नाम के एक जापानी साइंटिस्ट थे, जिन्होंने दी थी कि न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन। ये जस्ट इसके अपोजिट होती है। कौन से साइंटिस्ट थे? मोटो किमुरा थे, जिन्होंने 1968 में ये थ्योरी दी थी। इन्होंने बताया कि द चेंज एट मॉलिक्यूलर लेवल, चाहे डीएनए के लेवल पे चेंजेस हों, चाहे प्रोटीन के लेवल पे चेंजेस हों, ऐसे चेंजेस किसकी वजह से होते हैं? न्यूट्रल म्यूटेशन, नॉट नेचुरल सेलेक्शन। इन्होंने इसकी जस्ट अपोजिट बात बोल दी कि नेचुरल सेलेक्शन की वजह से नहीं होते हैं, न्यूट्रल म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे चेंजेस आपको दिखाई देंगे। अब न्यूट्रल म्यूटेशन क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, इट इज द वन विच हैज नो इफेक्ट ऑन फिटनेस, जिसकी वजह से, अब मैंने फिटनेस आपको दो तरह से बताई, यहाँ तो सर्वाइवल फिटनेस हो सकती है, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव फिटनेस हो सकती है। तो ऐसा म्यूटेशन जिसका फिटनेस पे कोई इफेक्ट नहीं जा रहा हो, तो उसे आप बोलते हैं न्यूट्रल म्यूटेशन। तो जितने भी क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, वो किसकी वजह से हैं? वो न्यूट्रल म्यूटेशन की वजह से हैं। अब इट डज नॉट सजेस्ट, अब ये बात तो बोल दी मोटो किमुरा नाम के साइंटिस्ट ने, और ये एलेबोरेट की थी बाद में, इनके बाद में और साइंटिस्ट आए थे, जैसे किंग एंड जूस नाम का वैज्ञानिक थे, किमुरा एंड ओहोटा ने भी इन्हें वापस से एलेबोरेट किया, इसका और ज़्यादा विस्तृत अध्ययन हमारे लिए प्रस्तुत किया। अब वो ये बात तो ठीक है, लेकिन इससे इट डज नॉट सजेस्ट दैट रैंडम ड्रिफ्ट एक्सप्लेन ऑल एवोल्यूशनरी चेंजेस। तो यह नहीं बताता है, ये जो थ्योरी थी इसके द्वारा आप ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि रैंडम ड्रिफ्ट है वो किस तरह से एवोल्यूशनरी जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें कैसे एक्सप्लेन करता है। रैंडम ड्रिफ्ट आप बोल रहे हैं, कोई भी जाति के जीन है वो कांस्टेंट नहीं हो के कुछ नए करेक्टर को एक्वायर कर लेते हैं, तो जो पहले जीन थे उनमें क्या आ गया, ड्रिफ्ट आ गया है, अब एक नई जाति बन गई है जीन के द्वारा, तो एक नया जीन जनरेट हो गया है। तो ये रैंडम ड्रिफ्ट ज़्यादातर इवोल्यूशनरी जो चेंजेस होते हैं वो नेचुरल सेलेक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग बताते हैं कि ऐसे ऐसे रैंडम ड्रिफ्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये थ्योरी नहीं बता पा रही थी कि रैंडम ड्रिफ्ट के बारे में अच्छे से नहीं बता पा रही थी। नेचुरल सेलेक्शन थ्योरी रैंडम ड्रिफ्ट को बहुत अच्छे से बता पाती है, लेकिन ये थ्योरी यहाँ पे रैंडम ड्रिफ्ट को अच्छे से नहीं बता पा रही थी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। न्यूट्रल म्यूटेशन मैंने बता दिया, इट इज़ द वन म्यूटेशन दैट डज नॉट अफेक्ट एनी काइंड ऑफ फिटनेस, दैट कैन बी सर्वाइवल फिटनेस और इट कैन बी रिप्रोडक्टिव फिटनेस। उसके बाद में अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, देखिए म्यूटेशन तीन तरह के हो सकते हैं, एक तो होता है न्यूट्रल म्यूटेशन, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव म्यूटेशन। देखिए सबसे पहले हम देखिए हार्मफुल म्यूटेशन, जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव म्यूटेशन, और ये नेगेटिव सेलेक्शन भी इसे हम बोल सकते हैं, और ये म्यूटेशन एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसे कोई भी स्पीसीज है, नेचर किसी भी स्पीसीज में एक्वायर नहीं होने देगी, इसे एलिमिनेट कर देगी। ओके गाइस, अब हमारा नेक्स्ट म्यूटेशन देखते हैं, हमारा हार्मफुल म्यूटेशन के बाद में एडवांटेजियस म्यूटेशन देखें, तो इसे पॉजिटिव सेलेक्शन कहते हैं और ये फिट फॉर सर्वाइवल होता है, ये आसानी से स्पीसीज में देखा जा सकता है। न्यूट्रल म्यूटेशन कोई सेलेक्शन नहीं है, नो सेलेक्शन बोलते हैं इसे, और ये भी आसानी से स्पीसीज में देखा जा सकता है। तो कौन से म्यूटेशन दिखाई देंगे, चाहे न्यूट्रल म्यूटेशन है या फिर पॉजिटिव म्यूटेशन है, दोनों देखे जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो
कॉमन रूप से देखा जाएगा वो न्यूट्रल म्यूटेशन देखा जाएगा। एडवांटेजियस म्यूटेशन है वो फिट फॉर सर्वाइवल है लेकिन बहुत रेयर दिखाई देते हैं, जबकि नेगेटिव सेलेक्शन वाले जो हार्मफुल म्यूटेशन होते हैं वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पे। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि न्यूट्रल सब्सटीट्यूशन दिखाई देता है, यानी कि अमीनो एसिड जितने जुड़ेंगे म्यूटेशन के द्वारा उतने ही वहाँ पे प्रतिस्थापित भी हो जाते हैं, तो इसलिए म्यूटेशन क्या कैसा रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मैन फोर्सिंग न्यूट्रल म्यूटेशन, यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट को मैन फोर्स बताया गया, किसका, न्यूट्रल म्यूटेशन का, जबकि यहाँ पे रैंडम ड्रिफ्ट को ये थ्योरी समझा नहीं पाई। लेस इंपॉर्टेंट इवॉल्व फास्टर, जो करेक्टर लेस इंपॉर्टेंट होते हैं वो बहुत जल्दी इवॉल्व होते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव म्यूटेशन आर वेरी रेयर, जैसा कि मैंने बताया एडवांटेजियस म्यूटेशन होते हैं वो बहुत रेयर दिखाई देते हैं, जबकि एक्सेप्ट नेगेटिव म्यूटेशन मोस्ट म्यूटेशन आर अंडर नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन में आपसे पूछा जाए कौन से एक्वायर कर लिए जाते हैं, तो जो कॉमन या फिर न्यूट्रल म्यूटेशन होते हैं वो बहुत कॉमनली एक्वायर कर लिए जाते हैं, किसके द्वारा, इस नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा। अब जो डिसएडवांटेजेस जो नेगेटिव म्यूटेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, कुछ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए म्यूटेशन कैसा होता है, रैंडम होता है म्यूटेशन है, यानी कि डीएनए में या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे जो चेंजेस आते हैं वो कैसे होते हैं, रैंडम होते हैं, यानी कि एक स्पीसीज में अगर चेंज आया है तो ज़रूरी नहीं है वो अगली प्रोजेनी में भी आएगा। लेकिन नेचुरल सेलेक्शन होते हैं, जैसे कोई स्पीसीज के द्वारा एक्सट्रीम कंडीशन है वातावरण की, उसे झेलने के लिए कुछ नए करैक्टर एक्वायर कर लिए जाते हैं, तो वो जो करैक्टर एक्वायर किए हैं वो जीन भी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होंगे। ये नेचुरल सिलेक्शन है, ये कैसा है, नॉन रैंडम है, ये ऐसा नहीं है एकदम से कहीं से भी टपक जाएगा। अगर किसी जेनेटिक लेवल पे किसी जाति में आया है तो वो अगली जाति तक भी पहुँचेगा, अगली पीढ़ी तक भी पहुँचेगा। जबकि म्यूटेशन क्या होता है, रैंडम है, अगर एक स्पीसीज में आ गया, अगर वो अच्छा म्यूटेशन हुआ, एडवांटेजियस म्यूटेशन हुआ जो कि बहुत रेयर होते हैं, वो तो अगली पीढ़ी में नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा पहुंच जाते हैं, अदरवाइज जो हार्मफुल होते हैं वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। तो ये कैसा हुआ, म्यूटेशन वाला, ये रैंडम हुआ, जबकि नेचुरल सिलेक्शन वाला नॉन रैंडम हुआ। अब यहाँ पे कुछ जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं वो आपको ध्यान रखना है कि मोटो किमुरा साइंटिस्ट ने क्या बताया था कि जो चेंजेस होते हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल पे डीएनए प्रोटीन पे वो न्यूट्रल म्यूटेशन की वजह से होते हैं, ना कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। लेकिन इस थ्योरी के द्वारा रैंडम ड्रिफ्ट को समझा नहीं पाए थे अच्छे से, इसलिए डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी ज़्यादा एडवांटेजियस मानी जाती है। आई होप गाइज यू विल गेट इट। और इसकी एक थ्योरी होती है मॉलिक्यूलर क्लॉक की, इस थ्योरी को जो एप्लीकेशंस है वो मॉलिक्यूलर क्लॉक होती है, जो हम अगली वीडियो में हमारे देख लेंगे। धन्यवाद, मिलता हूँ नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। थैंक्स।